हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, सो मैं लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखूबी से समझ चुके हैं कि आज वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो नए नए क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस देखो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बोला था कि YouTube हैंडल क्या है और इससे फायदा क्या है। हालांकि YouTube हैंडल के बारे में 15-20 दिन पहले ही बड़े बड़े क्रिएटर ने वीडियो अपलोड कर दिया है कि YouTube हैंडल क्या है और कैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ये सारे क्रिएटर को मिलने नहीं वाला था तब तक। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना था क्योंकि मैं एक छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, तो मैं नया क्रिएटर हूँ, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं नए क्रिएटर को ये मैसेज पहुंचाना था कि भाई ठहर जाओ, आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन गाइस, आज से सबको मिलने वाला है। उस वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ ये भी बताया था कि ये जो है 14 नवंबर से शुरू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेल में जो लिखा था मैंने वही बोला था। लेकिन मैं इतना भी श्योर नहीं था कि 14 नवंबर नहीं वो आज से ही शुरू कर देगा। तो गाइस हाँ, 1 अक्टूबर 2022 से ये शुरू हो चुका है। यानी गाइस, मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था आपको ईमेल के थ्रू या नोटिफिकेशन बार में ये मैसेज यूट्यूब से पहुंचा देगा। क्योंकि गाइस देखो, यूट्यूब हैंडल अगर यूट्यूब/हैंडल ये सर्च कर लेते हो तो आपके अगर हैंडल का फीचर्स आपके चैनल में अनलॉक हो चुका है तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। लेकिन गाइस, आप कस्टमाइज जितने भी कर लो, अगर वो फीचर्स यूट्यूब ने आपके चैनल में पर्सनली वो फीचर्स नहीं दिया है तो भाई कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने वेट करने को कहा था। वेट का किस्सा खत्म, आज से जो है काम चालू। तो इससे फायदा क्या है मैंने वो भी कह दिया। आप लोग अगर वो वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वाले वीडियो को पहले देख लो। सो चलिए गाइस, यूट्यूब हैंडल क्या चीज है, कैसे इसको कस्टमाइज करते हैं और यूट्यूब हैंडल से ऑथेंटिक वाला फायदा क्या है, आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सो चलो यार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते हो यूट्यूब हैंडल में कैसे अपना चैनल जो है एकदम टॉप वाले रैंक पे लाओगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और फिर से बहुत बहुत तरीके से स्वागत करता हूं आपका नंबर अपने चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ले चलता हूं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ले चलता हूं मेरे जीमेल पे, ठीक है। जीमेल में जैसे ही जाता हूँ गाइस, पुराना वाले मेल कहाँ गया देख लेता हूँ। देखो गाइस, 20 अक्टूबर का आया था यूट्यूब की तरह से, ये देखो। हाँ, ये चैनल का नाम है, कुछ भी हो, यहाँ पर लिखा है, ये देखो, स्टार्टिंग ऑन 14 नवंबर 2022, इफ यू हैव नॉट येट सिलेक्टेड ए हैंडल फॉर योर चैनल, ठीक है। मैंने सिलेक्टेड तब नहीं हुआ था, लेकिन 14 नवंबर नहीं, ये आज से मुझको मिल चुका है ये फीचर्स। देख लीजिए, ये आया है शाम को 5:15 पर, यानी 1 तारीख 5:15 पर ये आया है। मैं फिलहाल शूट कर रहा हूँ रात को 10 बजे, क्योंकि गाइस मैंने आप लोगों को सुबह मैसेज कर दिया, मेरे पापा को एक्सीडेंट हो चुका है तो हॉस्पिटलाइज हो चुका है। मैं फिलहाल ही कुछ मिनट्स पहले हॉस्पिटल से आया और मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो अपलोड नहीं रुकना चाहिए, तो भगवान की कृपा से मेरा पापा ठीक ठाक है। खैर, सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो गाइस देखिए, यहाँ पर यू कैन नॉट चूज योर चैनल हैंडल एज ए रिमेम्बर इन मोस्ट केस इफ यू ऑलरेडी हैव ए पर्सनलाइज्ड यूआरएल ऑफ योर चैनल। यानी यूट्यूब ने ये साफ साफ कह दिया, आप आपके चैनल के लिंक को पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली से गाइस, आपको चूज ए हैंडल इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अगर ये मेल नहीं आया तो नोटिफिकेशन बार चेक कीजिए, वहाँ पर तो जरूर होगा। यहाँ पर देखिए, जीत द स्टार, ये मेरा नया चैनल है, यानी छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, डायलॉग्स, एक्टिंग के लिए ये चैनल मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद आ गया चेंज हैंडल। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा देख लेते हैं, जीत द स्टार, ठीक है, चैनल का नाम जीत द स्टार है। सो चलिए सर्च करके देख लेता हूँ यूट्यूब में मेरा न्यू चैनल आता है कि नहीं। यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ JEET जीत द स्टार, ठीक है। वाह, वीडियो कोई सा भी हो लेकिन मेरा चैनल सबसे ऊपर है भाई। देखो, इस चैनल में अभी तक पुराना कुछ वीडियो है लेकिन नया वीडियो कुछ भी नहीं लाया, तो भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है, फार उधर है, ठीक है। तो अब कस्टमाइज करूंगा कुछ और, जैसे चूज़ हैंडल में क्लिक करता हूँ, उसके बाद चेंज हैंडल देख लेते हैं, G007, ठीक है। तो भाई एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, नाम रखते वक्त अगर आपका नाम पे कोई चैनल होगा तो यहाँ पर रेड कलर का डॉट आ जाएगा कि ये चैनल हम नहीं क्रिएट कर सकते, तो पहले से ये चैनल किसी ने क्रिएट करके रखा है, तो भाई उसमें मत जाओ। ये एक सुविधा हो गया, फ्रॉडर से बचोगे, एक सुविधा हो गया। पहले हजारों टैग लिखना पड़ता था, उसके बाद जाकर टॉप में या सेकंड में आपका चैनल आता था, वो टेंशन खत्म हो गया। अगर नहीं आता था तो 10-15-20-25-30-50-60 वीडियो अपलोड करना पड़ता था, 3-4 महीने के बाद आपका चैनल टॉप में आता था, वो भी टेंशन खत्म हो गया, जस्ट एक सेकंड में सारे टेंशन खत्म, ठीक है। तो भाई लोग देख लिया कैसे आप अपने चैनल के यूआरएल को कस्टमाइज कर सकते हो, यानी सारे टेंशन जो है एक चुटकी में खत्म हो गया। सो गाइस, ऐसे ही आप लोगों को अपने चैनल को कस्टमाइज कम करो और पर्सनलाइज ज्यादा करो, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो। अगर थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ के बढ़ के शेयर कीजिए, और इस वीडियो के लिए कोई भी क्वेरी आए तो प्लीज गाइस कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं सारे क्वेरी का आंसर आप लोगों को दे दूंगा। सो फिर मिलते हैं कल और एक नए ट्यूटोरियल लेकर के, तब तक अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।